Hello guys, welcome और वेलकम बैक टू एजुकेटिंग। हाउ आर यू ऑल डूइंग? एम आई ऑडिबल और नॉट? स्टार्ट करेंगे हम अपना सेशन। तो नॉर्मली क्योंकि हमारा संडे वाला सेशन होता है, ठीक है, द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। द हिंदू का एनालिसिस 6 to 7 होता है नॉर्मली हमारा। आप मेरे साथ आ सकते हो, न्यूज़ को सकते हो मेरे साथ। बैकग्राउंड इन्फो प्रोवाइड करी जाती है ताकि आपको सब कुछ बहुत ईजिली आए, एक्स्ट्रा न्यूज़ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाती है। मोस्ट एक्सपेक्ट MCQs भी मैं कवर करवा देती हूँ। संडे को हमारा वीकली कंपाइलेशन सेशन होता है, क्योंकि आज भी मैं ले चुकी हूँ उसका। आपको वीडियो मिल जाएगी, लाइव सेशन किया था चैनल पर ही, तो वो ज़रूर देख लेना। रिविजन हो जाएगी, अगर बैकलॉग है कुछ हो गया तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने से। तो हमारी जो आज की डेट है, सबसे पहले बता लेते हैं, आज 20। अब हम नोट बनाने स्टार्ट करेंगे, राइट, और न्यूज़ भी हम साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले हमारा चल रहा है काशी तमिल समागम, ठीक है ना, समागम चल रहा है, संगमम समागम, ठीक है। अब संगमम चल रहा है तो ये कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले वाराणसी के अंदर हो रहा है। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। पहली बार सेशन देख लो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि जो नॉर्थ इंडिया और जो साउथ इंडिया के लोग हैं आपस में मिल जुल कर, मतलब उनको पता चले कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है, या इसमें कनेक्टेड हैं, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना। ये फीलिंग देने के लिए, टू गिव दिस फील, ओके, मैंने वॉइस चेक कर लिया है माई फोन, इट इज़ नॉट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर काशी तमिल समागम हो रहा है, आवाज़ कट रही, अभी भी कट रही है, अभी कट रही है, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? उस वाले माइक के अंदर आपको मेरी सांस नहीं सुनाई, अगर आप वॉल्यूम, ओके, अभी देखते हैं क्या। बैक टू द एक, तो यहाँ पे काशी तमिल समागम क्यों हो रहा है बारे में बात करते। काशी जो तमिल समागम, इसके अंदर ये वाराणसी के अंदर हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है कि लोगों को फील देने के लिए नॉर्थ इंडिया और जो कल्चर आपस में, ये ट्रेडिशन आपस में, ये साउथ इंडिया वाले जो ड्रविडियंस, क्या वो हम यूज़ करते हैं ड्रविडियंस, हम ड्रविडियंस और नॉर्थ इंडियन से अलग हैं, तो यूनिटी की फील देंगे, ये स्टार्ट किया गया, राइट, गिव दैट फील ऑफ यूनिटी, दे हैव स्टार्टेड विद दिस, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे। अब दोबारा देखो, अगर ब्रेक हो रही है तो बता। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हुई, कौन से भारत की बात हुई? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये हमने नोट कर लेना है कि यार एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है इनका। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यूनाइटेड क्यों स्टार्ट किया गया ये समागम, और इसके अंदर क्या होगा पहले तो ये बताओ। ब्रेक हो रही है। तो इसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है वन इंडिया बेस्ट इंडिया, ठीक है। और इसी को लेकर के, इसी की वजह से, यही दिखाने के लिए ये जो समागम है काशी तमिल समागम जो है ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हो तो रहा है वाराणसी में। वॉइस ब्रेक हो रही है या आप ठीक हो गए? ये हो रहा है वाराणसी के, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तमिल से पीपल आर गोइंग टू कम एंड यहाँ पर जगहें देखेंगे, बारे में बात होगी, तो ये सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? इज द वॉइस ब्रेक? एम आई ऑडिबल नाउ? टेल मी। हाँ ऑडिबल है, आप हियर है आवाज? चलो अब यार मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट, हमारी जय थी वो ठीक। तो अब हम समझेंगे सारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये हम पहले कर चुके हैं तो ऐड ऑन होगा अगर आपने कल का सेशन भी अटेंड किया था, ठीक है। काशी तामिल संगामम, समागम संग, ठीक है। अब ये क्या है, हम नोट नहीं करेंगे इसको अगर कल भी नोट किया। इसको इनॉगरेट किसने किया? पीएम ने इनॉगरेट किया, ठीक है ना। पीएम इनॉगरेटेड, ठीक है ना। अब ये क्या है, बेसिकली तमिल से लोग आएंगे एंड वाराणसी के अंदर आएंगे, ठीक है, घाट्स पे जाएंगे जो प्लेस है वाराणसी, वहाँ पर जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाई पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, लेकर आए इनको तमिलनाडु से, यहाँ पर कुछ तो पर्पस होगा। तो पर्पस है दिखाना कि भैया भारत जो है, हमारा इंडिया है, वो क्या है, एक भारत, ये लिख लो आप, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कोई पूछ सकता है कि इसका इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, भारत श्रेष्ठ का भारत, भारत का मतलब क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब वन इंडिया, वन इंडिया बेस्ट इंडिया, एक साथ रहेंगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो जो तमिल्स हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, कईयों की उनको मतलब उनको नॉर्थ इंडिया जो है वो ऐसे लगता है कि नॉर्थ इंडियंस अलग हैं और साउथ इंडिया जो है वो अपने आप को द्रविडियंस कंसिडर करते हैं कि हम अलग हैं। कुछ कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया, इंडिया वाले तो इंडियंस हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो ये एकजुटता, ये यूनिटी लेकर आने के लिए ये समागम जो है वो हो रहा है, जहाँ पर लोग जो हैं तमिलनाडु से कहाँ आ रहे हैं, तमिलनाडु से वाराणसी आ रहे हैं और वहाँ पे वो इधर उधर जाएंगे, राइट। तो ये पर्पस है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑल्सो रिलीज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ थिरुकुराल। अब यार ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने, ये एड ऑन हो जाएगा और बाकी बच्चे जो नोट्स पहली बार बना रहे हैं उनके लिए तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा थिरुकुराल। अब थिरुकुराल क्या होते हैं, थिरुकुलम जो होते हैं ये तामिल बुक्स हैं, ठीक है, और ये तामिल के अंदर ही लिखी हुई थी, ठीक है। अब इनको ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है, दीज आर तामिल बुक्स, ओके। तो ये समागम हमारा रिविजन ही होगा एक तरह से कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यहाँ पे एड ऑन के अंदर हमने करा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, ओके। उसके बाद बात करते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर को रिवैम्प किया जा रहा है, मतलब एक नया लुक दिया जा रहा है,
है ना, जैसे तुम अपनी नई लुक करवाते हो, बालों को कलर करवा लिया, बिल्कुल नई लुक लेकर आ रहे हो, वैसे ही श्रीनगर भी नई लुक लेकर आ रहा है। तो पढ़ लेते हैं, द हिस्टोरिकल एंड कल्चर करेक्टर ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर समर कैपिटल विद अराउंड 4,000 ईयर्स ऑफ रिटन हिस्ट्री इज सेट टू सेट फॉर रिवैम्प, मतलब रेनोवेट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमारा सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है कि JNK की क्या है, ये समर कैपिटल, राइट, समर कैपिटल। फिर मुझे ये बता सकता है कि JNK की विंटर कैपिटल कौन सी है, फिर विंटर कैपिटल कौन सी है, विंटर में कहाँ पर सब कुछ होता है, तो जी से बताओ विंटर कैपिटल कौन सी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा बनेगा कि रिवैम्प हो रहा है अंडर द डॉलर रुपीज, सॉरी नॉट डॉलर रुपीज, 980 करोड़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी तो विनाई एनएस ऑफ क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है इसको, ऑल्सो कॉल्ड द वेनिस ऑफ द, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिया के अंदर जगह है जिसको श्रीनगर को कहा जाता है। उसके बाद विद इट वाटर बॉडी कॉलवर्ड्स एंड बंगलोज नेक्स्ट मंथ इंक्रीज द अर्बन मोबिलिटी वाटर ट्रांसपोर्ट कंजर्वेशन तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में डाला गया है, के अंदर इसको रिवैम्प करा जा रहा है श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट क्या करा जा रहा है, रेनोवेशन, रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब है रेनोवेट, न्यू लुक, ठीक है, वो दी जा रही है। यस, जम्मू इज द विंटर कैपिटल जम्मू, ठीक है, ये हम याद रखें। तो यहाँ पे बताया, और वेनिस ऑफ श्रीनगर है बाय मार्च नेक्स्ट ईयर श्रीनगर पोलो व्यू, ये सही वो हो जाएगा। अब हम आगे चलें, रहेगा चलो। अब यहाँ पर हमें पता है क्या चल रहा है, टेरर, क्या चल रहा है टेरर। अब ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ न्यूज है, ठीक है, क्या है, रिपीट हो रही है ये न्यूज, नो मनी फॉर टेरर जो है, दिस इज रिपीटेशन ऑफ न्यूज। तो यहाँ पर ये कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है, क्या होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और इसके अंदर चेयर कौन कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे। अब इसके अंदर क्या सुजेस्ट दिया गया कि यहाँ पे, और इसके अंदर हमें एक पॉइंट जो याद रखना है वो है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, क्या है, मिनिस्टेरियल लेवल की जो है ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो नो मनी फॉर टेरर एज इट इज सेइंग कि जो टेरर ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो रहा था, और इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि एक ना परमानेंट सेक्रेटरीट बना लेते हैं, क्या सुजेशन दिया गया है कि परमानेंट सेक्रेटरीट बना लेते हैं। तो अभी इसका कोई निकला नहीं है कि यहाँ पर बनाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही जो एक्ट तो टेरर के अगेंस्ट, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर और कौन सी बॉडी काम कर रही है, तो ये हम लिख सकते हैं टेरर फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, देखो उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, सब कुछ है उनके पास, तो वो कोई ना कोई पैसा तो दे रहा ना, ऐसे फ्री के अंदर तो कोई दे नहीं रहा। तो एक तो FATF है, FATF के अंदर अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था FATF के बारे में, ये है फाइनेंशियल एक्शन। इसके ये न्यूज़ के अंदर क्यों थी, तो बता सकते हैं न्यूज़ के अंदर क्यों थी, बताओ। देखो अभी किसी ने पूछा था कि हमें न्यूज़ याद कैसे करें, अगर रिलेट कर चीज़ों को याद करोगे तो याद रहेगा। अभी पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में से, पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में से रिमूव किया गया, ग्रे लिस्ट के अंदर से रिमूव किया, ठीक है, तो तभी ये न्यूज़ के अंदर था। और ये क्यों पाकिस्तान को डाला गया था, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल बॉडी दैट मॉनिटर्स टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या मॉनिटर करती है, ये मैं पहले भी आपको लिखवा चुकी हूँ बहुत बार, मॉनिटर्स क्या, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को ये देखती है, मतलब ये भी कहीं वही काम करी है, नो मनी फॉर टेरर वाला काम ही करी है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गलत चीज़ें करके पैसे कमा रहे हो, ड्रग्स बेच के पैसे कमा रहे हो, ये ठीक है। एंड ऑफिशियल सेड NMFT इज कॉम्प्लीमेंट्री टू FATF एज द लैटर इज मेंबरशिप बेस्ड वाइल NMFT इज मिनिस्टेरियल बेस्ड। अब नो मनी फॉर जो NMFT है वो कौन सी बेस पे, मिनिस्टर्स मिलते हैं, मिनिस्टेरियल बेस है इसका, एंड वेयर एज FATF इज मेंबरशिप बेस्ड। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड दोनों बात करते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ये वाली न्यूज़ हम डिटेल के अंदर नीचे पढ़ेंगे,
अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वॉइस देख लूँ एक बारी। कहाँ से भी सुनाई देते हैं। आज भी जो माइक यूज़ किया, हर रोज़ नया माइक मंगवाती हूँ, अब नहीं हो पा रहा है ठीक। चलो यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, सिल्वर लाइन कॉरिडोर, रेड पेन से लिखे सिल्वर लाइन कॉरिडोर। बहुत दिन हो गए इसके बारे में बात ही नहीं करी। देखो यार न्यूज बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती है ये सिल्वर लाइन कॉरिडोर। अब जो बहुत बच्चे अप्रैल से न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि सिल्वर लाइन कॉरिडोर क्या है, ठीक है। ये केरला का प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट है, केरला स्टेट का प्रोजेक्ट है। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको कनेक्ट करें कसरगोड को थिरुवनंतपुरम। ट्रैवल टाइम है, इंटरनल ट्रैवल टाइम है स्टेट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। इंटरनल ट्रैवल टाइम कम कर दिया जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये बन जाता है। बट अब लोग क्यों नहीं चाहते हैं, प्रोटेस्ट क्यों चल रही है इसके अगेंस्ट। प्रोटेस्ट इसलिए चल रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारा जो लैंड है वो लेंगे, एंड मतलब हमें, मतलब ऑब्वियसली अगर रेलवे लाइन बनानी है तो ये कैसे होगा। रेलवे लाइन है, ये रेलवे ट्रैक कनेक्टिंग कसरगोड उत्तरागोड एंड तिरुवनंतपुरम, दैट इज द कैपिटल ऑफ केरला, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं लोगों का लैंड एक्वायर करेंगे ना, लाइन बिछानी है, लैंड एक्वायर कर रहे हैं, इसके लोगों को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट रियली वॉन्ट दिस टू हैपन, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो रहा है, ये कहाँ का प्रोजेक्ट है, केरला का प्रोजेक्ट, ठीक है, तभी ये न्यूज़ के अंदर रहता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अंडमान सीक्स फॉर जी आई टैग। अभी थोड़े दिन पहले हमने अंडमान्स की बात क्यों करी थी, कौन बताएगा। हैवलॉक आइलैंड्स कहाँ पर है, अंडमान्स में। हैवलॉक आइलैंड में क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ आपको याद करने वाली, हैवलॉक आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के अंदर है। अब ये नोट नहीं करना है अपने नोट, बिकॉज ये रेपिटेशन है, बट अगर पिछली क्लास नहीं लगाई है तो कर सकते हो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर हैवलॉक आइलैंड्स हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, G20 की मीटिंग हो सकती है, इसके अंदर वो अगले साल का पूरा शेड्यूल और टाइम टेबल डिसाइड करेंगे, कहाँ पर क्या होगा, क्या डिस्कशन होगी, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये मीटिंग अंडमान निकोबार के हैवलॉक आइलैंड्स पे हो सकती है। अब हम आज क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एट गुंडी चेन्नई हैज़ रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सीकिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब हम बात करें जियोग्राफिकल इंडिकेशन के, वॉट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम यहाँ का फेमस क्या है हम वो लेके जाएंगे, तो होता है ना, अच्छा यहाँ पर क्या चीज़ बनती है, यहाँ का फेमस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैसूर जाऊँगी तो मैं वहाँ से सैंडलवुड लेकर आऊँगी, बस वहाँ पर सैंडलवुड की सकता है और वो बहुत अच्छी राइट, तो वो अच्छी मिलती है सैंडलवुड वहाँ से, तो मैं वो लेकर आऊँगी, सैंडल का परफ्यूम लेकर आऊँगी मैं वहाँ से अगर मैं मैसूर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मिलती है तो मुझे पता है कि वो ओरिजिनल होगी, वो सही होगी और वहाँ का बेस्ट होगा क्योंकि वो वहाँ पर बनती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की डिफरेंट, बहुत सारी जगहों की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, राइट। अगर आप केरला में जाओगे तो आप बहुत सारे मसाले लेकर आओगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर वो उगाए जाते हैं, राइट, तो वो वहाँ के पॉपुलर हैं। तो अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सैंडलवुड खरीदने जाती हूँ दिल्ली के अंदर, तो अगर मुझे वहाँ पर मैसूर का कोई इंडिकेशन मिल जाता है, तो जहाँ पे 5-6 अगर मेरे पास ऑप्शन हो, आई विल गो फॉर द वन जहाँ पे मैसूर का कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। दैट इज़ वॉट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन, कि अगर जोग्राफी मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर जगह से कोई चीज़ फेमस है और वो चीज़ वहाँ से बनकर आई है, तो उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं कि ये यहाँ की है, इसको कहते हैं। अब वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो कौन सी बोट है, निकोबारी होडी बोट, क्योंकि ऐसा सा कुछ दिखती है, ये होडी बोट है, इसके लिए वो जीआई मांग रहे हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन तो यूटी आई है, तो हमारे पास पता होना चाहिए जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन मांग रहा है। अंडमान एंड निकोबार वाले, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिमांडिंग फॉर के लिए कौन सी बोट है, उनकी नाम क्या है, निकोबारी होडी बोट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मतलब कलाकारी है, इज एन आर्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है, एंड एन नहीं आएगा, इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये, इसलिए इसको देना चाहिए, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ये इसी ट्राइबल्स को आती है, ठीक है। इसके लिए बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, ट्री ढूंढना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम ये ट्री काट सकें, ये सब कुछ है इसलिए। तो हमें क्या रखना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कौन मांग रहा है और किसके लिए, सिंपल। तो
रॉयल बंगाल टाइगर के जो काउंट है उसके अंदर इंक्रीज आया है, तो पढ़ लेते हैं. तो पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन आंध्र प्रदेश हैज इंक्रीज लास्ट फ्यू इयर्स एंड द लेटेस्ट काउंट इज 73. नागार्जुना सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व है सबसे पहले टू इन पापिकोंडा नेशनल पार्क. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये नेशनल पार्क जो है, ठीक है, जो नेशनल पार्क हैं वो जो पार्ट में पढ़ रही हूँ वो आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट. एंड जो पार्ट नहीं दिखता है और उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर बोर्ड और न्यूज़पेपर दोनों एक साथ स्क्रीन पे चाहिए तो न्यूज़पेपर अगर पूरा दिखेगा तो वो बहुत छोटा दिखेगा. ओके चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन आंध्र प्रदेश हैज़ इंक्रीज. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर हम देखिए रॉयल बंगाल टाइगर्स इंक्रीज, ये साइन बना सकती हूँ मैं का इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये मुझे पता चल गया. चलो अब यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन और डालनी है अपने नोट को डालनी है कि नेशनल, ठीक है, नागार्जुना सागर सी सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये तो मुझे पता चल गया कि अगर इसकी बात हो रही है तो एपी के अंदर ही है. ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए. और पापी कोंडा, ये एक पापी एनोकोंडा भी रहता था जंगल, बहुत तंग करता था, याद कर सकते नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये दोनों एपी. ये क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत हर एग्जाम में दिखेंगे और आपको लगता है कि यार वो ज्योग्राफी का जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है मुझे वो रटना है. नहीं, आपको ये रटना है जब भी किसी डैम के बारे में बोला जाए, जब भी किसी चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर में आए तो वो इम्पॉर्टेंट है. स्टैटिक जी के यहीं से बनती है. एज पर द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन टेकन अप इन 2022 द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स हैज इंक्रीज बाय 60% इन NSTR. NSTR किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं NSTR, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं NSTR. ठीक है, एंड टू टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड इन पापिकोंडा नेशनल पार्क. तो ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 3000. तो ऑल इंडिया टाइगर, तो ये कैसे अपना वो करते हैं ये बताया हुआ है. तो अब हमें ये भी लिख लेना है कौन सी एस्टिमेशन बता रही है. ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ठीक है 2022. ठीक है, वो क्या कह रही है, पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इंक्रीज, ये बता रहे हैं. ठीक है ना, इंडिया टोटल पॉपुलेशन कितनी इंडिया में 3000, ठीक है ना, ये हमें लिख लिया. हो गया, अब यहाँ से हमें यही पिक करना था. आगे चलेंगे अब हम यहाँ पर 12 स्पेशल टीम्स टू इन्वेस्टिगेट कर्नाटका वोटर्स डाटा. अब कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी थी क्या उन्होंने परमिशन दी, क्या परमिशन दी, अब यहाँ पर हमें सारा पता चल रहा है कि क्या चीज़ हुई. द ट्रस्ट परमिटेड बाय द BBMP वहाँ की महानगर पालिका होती हैं टू डू, ठीक है ना, यहाँ पे BBMP टू डू हाफ टू हाउस टू हाउस वोटर अवेयरनेस कैंपेन. अब इन्होंने क्या किया था, ये जो चिल्यूम एजुकेशनल कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट है जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि क्या हुआ कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका वोटर डाटा इशू, अगर कल नहीं लिखा तो लिख लो, नहीं तो अब याद करो इस पॉइंट को कि कर्नाटका के अंदर हुआ क्या हुआ. यहाँ पे जो चिल्यूम क्या है, चिल्यूम एजुकेशनल एंड रूरल, इसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशनल एंड रूरल के डेवलपमेंट ट्रस्ट है जो कि एक NGO है, इसको क्या बोला गया था, बोला गया था कि आप डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन करो, क्या करो, डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन करो. ठीक है, ये एड ऑन नोट्स है, ये लिख सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन करने को बोला था इनको. और इन्होंने इम्पर्सोनेशन क्या होता है कि इन्होंने एक्ट किया कि हम वोटर डाटा, हम इम्प्लॉयज़ हैं किसके, इम्प्लॉयज़ ऑफ द ट्रस्ट कलेक्टेड डाटा फ्रॉम वोटर्स इन बेंगलुरु पोजिंग एज बूथ लेवल ऑफिसर्स. ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, पोजिंग एज बूथ ऑफिसर्स, जहाँ पे हम वोट डालते हैं बूथ ऑफिसर्स, कलेक्टेड डाटा फ्रॉम वोटर्स. ठीक है, इनको क्या बोला गया था, तुम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, डो
डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। और इन्होंने क्या किया, इम्पर्सोनिफिकेशन, मतलब इन्होंने एक्ट करते हुए कि हम क्या है बूथ ऑफिसर्स वाले, वो डाटा इकट्ठा कर लिया, विच इज अ पर्सनल डाटा। तो अब इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये कहाँ पर हुआ, कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर हुआ, स्पेसिफिकली कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु के अंदर हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं अंडमान की दोबारा से। द वॉल्केनो ऑन द बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज बीइंग क्लोजली वॉच टू चेक फॉर साइंस ऑफ एन इरप्शन विच कुड लीड टू अ सुनामी और अ मॉन्स्ट्रस अंडर सी लैंडस्लाइड अकिन टू व्हाट हैड हैपेंड इन इंडोनेशिया इन 2018। अब यहाँ पे एक वॉल्केनो इरप्शन हो गया है तो उसके ऊपर नजर रखना है क्योंकि वो सुनामी ना बन जाए ऐसे के लिए, ठीक है ना। वो वॉल्केनो इरप्शन कहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, वॉल्केनो इरप्शन कहाँ पर हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वॉल्केनो इरप्शन कहाँ पर हुआ है, वॉल्केनो, एक मिनट, वॉल्केनो इरप्शन गैप होगा वॉल्केनो और इरप्शन, वॉल्केनो इरप्शन कहाँ पर, ऑन द बैरन आइलैंड्स कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में, या अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब नज़र कैसे रखेंगे, ठीक है, नज़र कैसे, द मॉनिटरिंग इज बीइंग कैरिड आउट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच हाउसेज द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है। तो मॉनिटर्ड कैन बिकम कॉज ऑफ सुनामी, ठीक है ना। और ऐसी सुनामी कहाँ पर आई थी, लाइक इन 2018 इन इंडोनेशिया, ठीक है। अब इस पर कौन देख रहा है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनक्योस, इनक्योस कौन सा क्योस में रहता है, इनक्योस कौन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये देखता है, ठीक है, मॉनिटर्स ये मॉनिटर करता है, ओके फाइन। अब यहाँ पे व्हाट इज अ टाइड गॉज, टाइड गॉज क्या होता है, टाइड गॉज, ठीक है, टाइड गॉज हम पढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है टाइड गॉज से। तो टाइड गॉज जो होता है वो ओशन के अंदर छोड़ा जाता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि सुनामी का कोई मूव तो नहीं बन रहा है। रीसेंट सुनामी इंक्लूडिंग वन इन टोंगा दिस ईयर हैज बीन, दिस ईयर 2022 के अंदर सुनामी कहाँ पर आई है, सुनामी इन टोंगा, ठीक है, वो सारी डिटेक्ट हो जाती हैं। अब सुनामीज होती हैं, दो द डिवास्टेटिंग सुनामी ऑफ, अब हमारी सबसे बुरी सुनामी जो इंडिया में आई वो कब आई थी, 2004 के अंदर इंडिया में सुनामी, अब सबको याद नहीं होगी तो फायदा भी नहीं होगा, हाँ ठीक है ना। हाई वेव्स ऑफ वाटर जो होती हैं वो बनती हैं एंड उससे जो होता है सुनामी आती है, ठीक है, अर्थक्वेक भी आता है साथ में, और जो वेव्स हैं पानी की सी के अंदर एक तरह का अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये है कंटिन्यूस इट्स राउंड द क्लॉक विजिल, तो ये ITWC यार ये भी लिखो, विच हाउसेस इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग। तो अब हमें पढ़ना था टाइड गॉज क्या होता है, टाइड गॉज इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग सी लेवल एंड डिटेक्टिंग सुनामी, है ना। टाइड गॉज क्या होता है, क्या है ये, एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग सुनामी, है ना, मेजरिंग सी लेवल डिवाइस है जो लेवल एंड सी लेवल प्लस डिटेक्टिंग सुनामी, है ना, सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए ये करी जाती है, डिवाइस है ये, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लोज द अर्थक्वेक, मतलब ये सारा डिटेक्ट कर दी, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, हाँ हाँ, अब यहाँ पे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण गोयल जो हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज, अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन एज ओनली, मतलब नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ये मत समझना है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे गए हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, कौन बताएगा मुझे, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव समथिंग समथिंग,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार, ठीक है? ओके, राजीव कुमार अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो कौन है? अरुण गोयल। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आगे चलेंगे। द जेल टर्म ऑफ सुभाष चंद्र कपूर एंड इंटरनेशनल एंटीक, जो एंटीक चीज़ होती है, पुरानी जो होती है ना, और उनकी बहुत वैल्यू होती है, जैसे कि आइडल्स हो गए, ये सब कुछ हो गए, तो ये क्या करते थे, ये इंडिया में से चोरी कर कर यूएस और बाहर की कंट्रीज में भेजते थे। यूएस वालों ने भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, सुभाष चंद्र कपूर पर, कि इन्होंने जो एंटीक चीज़ें हैं वो चोरी करके इधर उधर भेजी हैं। तो इंडिया के अंदर भी इनको ट्राई किया जा रहा है, और यूएस और जर्मनी भी चाहते हैं कि एक्सट्राडिशन हो जाए इनका। एक्सट्राडिशन मैंने पहले भी समझाया था क्या करना चाहते हैं, एक्सट्राडिशन आज समझाया था। एक्सट्राडिशन का मतलब है कि जिस कंट्री में क्राइम करा वहाँ से भाग कर किसी और कंट्री में भाग चले गए, और अब वहाँ जहाँ पर क्राइम किया वो कंट्री कह रही कि हमें तो इनको अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है, ठीक है? तो इनका नाम नोट कर लेते हैं और फिर चीज़ें नोट करेंगे। सुभाष चंद्र कपूर, ठीक है? अब इन्होंने क्या कांड किया है, इन्होंने एंटीक, ठीक है ना, क्या किया, इंटरनेशनल एंटीक डीलर, तो जो एंटीक चीज़ होती है, समझ गए ना, जैसे दादा पर दादे का कहते बेटा तोड़ना नहीं है, ठीक है? एंटीक डीलर थे, ठीक है? इंडिया के अंदर तो एक्शन लिया ही गया, इंडिया के अंदर तो जेल में गए, प्लस जर्मनी एंड यूएस डिमांडिंग एक्सट्राडिशन, ठीक है? और ही एंड ठीक है, बस इतना ही बहुत है, क्या है क्या है? अब आगे चलेंगे। हाँ, पर क्या, हाँ, तो तमिल वाले के अंदर ये भी मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु, वॉज द वाइस चांसलर ऑफ BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हम काशी जो समागम हो रहा है वाराणसी के अंदर, उसके बारे में बात करें, BHU के अंदर कुछ जो स्टॉल्स है वो लगेंगे, मतलब बनारस हिंदू के अंदर, इसलिए उसकी बात हो रही है, ठीक है? ये सारा जो है वो करा जा रहा है बात। चार रीजन्स डिटेंशन ऑफ 16 सेलर्स विद नाइजीरिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो 16 सेलर्स हैं, सॉरी फॉर द वर्ब, नाइजीरिया के अंदर हैं वो, तो डिटेन किए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करी जा रही है। रेपिटेशन है, आप दोबारा से नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे हमने नोट किया हुआ है, और अगर अब आपने न्यू ज्वाइन किया है तो आप नोट कर सकते हैं कि नाइजीरिया के अंदर हमारे सेलर जो हैं फंसे हुए हैं, राइट, डिटेन किए हुए हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है टिम वॉट्स, वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट की जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया है वो जो इनकी लेजिस्लेचर है वो कंसिडर कर रही है, एंड वो रेटिफाई कर देगी, मतलब जो भी हम इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है वो अगर इनकी गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी बहुत ही जल्द। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या साइन हुआ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ECTA। चलो ये लिख लेते, बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए कि हमने इसके बारे में बात नहीं करी। ECTA की फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलेंगे। टू आइकॉनिक बैटल्स जो हमारी किसके साथ हुई, चाइना के साथ, उसकी 60th एनिवर्सरी है, कौन कौन सी पहले पढ़ लेते हैं। द 60th एनिवर्सरी ऑफ टू आइकॉनिक बैटल्स इन इंडिया चाइना वॉर वॉज ऑब्जर्व दिस वीक, द बैटल ऑफ वॉलोंग इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑन नवंबर 16 एंड द बैटल ऑफ रिजांगला इन ईस्टर्न लद्दाख ऑन नवंबर 18, ठीक है? टुडे बोथ इंडिया एंड चाइना अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ 30 मंथ स्टैंड ऑफ, ठीक है ना, तो ठीक है, स्टैंड ऑफ हमारा हुआ उनके साथ, सॉरी गाइस बात करनी थी इसलिए रुकना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड ये हमारी फाइट्स हुई, ठीक है? 9 न्यू टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड, तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट, चाहे वो चाहे लद्दाख के अंदर बात करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश बात करें, ठीक है? आर
एवरीथिंग, जो रोड्स हैं वो सारी डेवलप हो रही है अरुणाचल के अंदर भी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा वहाँ पर बॉर्डर लगता है, राइट। द हाईएस्ट बायलेन टनल इन द वर्ल्ड बन जाएगी, कौन सी? सेला टनल इन तवांग। तो ये भी हम नोट कर लेंगे अभी। उसके बाद ये सारा बात करा जा रहा है मैकमोहन लाइन जो है वो कौन सी है, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये भी नोट करते हैं हम, और क्या यहाँ से हमें। उसके बाद बैटल ऑफ रेजांगला ये कहाँ पर हुई, और ये सारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एनिवर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सॉरी गाइस, अब यहाँ पर बात करेंगे हम बैटल ऑफ एनिवर्सरी ऑफ इंडो चाइना वॉर, ठीक है। और इस इंडो चाइना वॉर के अंदर बीच में जो अलग अलग वॉर्स, उनके नाम, नंबर वन इज बैटल ऑफ होलोंग, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज बैटल ऑफ रेजांग, ठीक है ना। जो बैटल ऑफ बेलोंग है वो जो रेजांग है ये तो लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर लड़ी गई, कौन से लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख और चाइना के बीच में, मतलब ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में हुई, और ये हमारी हुई अरुणाचल प्रदेश और चाइना के एरिया, ठीक है। तो यही हमें यहाँ से याद करना है, और इनका भी ऑब्वियसली इंडो चाइना वॉर का पार्ट था, तो 60th एनिवर्सरी है, ठीक है। उसके बाद हमें नोट करना था कि ये जो ब्रिज कह रहे हैं कौन सा बनेगा, हाईएस्ट बाय लेन टनल इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट बाय लेन टनल इन द वर्ल्ड कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी सेला टनल इन तवांग, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ कौन सा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ऑफ 30,000 feet, ठीक है, ओके। आगे चलेंगे, मैकमोहन लाइन के बारे में लिखना है हमें यहाँ पर। मैकमोहन लाइन बाउंड्री लाइन किसके बीच, नेशनल लाइन बिटवीन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। सॉरी सॉरी गाइस, चलो आगे चलेंगे, यहाँ पे ये हो गया, अब आगे चलेंगे हम पीएम किसान। तो पीएम किसान योजना क्या है, पीएम किसान, ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स किसान सम्मान सम्मान निधि, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब इसके अंदर क्या करा जाता है, इसके अंदर हु रिसीव्ड 11th इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी इंस्टॉलमेंट है, करा क्या जाता है, फ्लैगशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
और जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या करा जाता है इनको, लॉन्च इन 2019 इम्पोर्टेंट है, और फार्मर की एलिजिबल फार्मर फैमिलीज, कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सी फार्मर फैमिलीज, नॉट ऑल एलिजिबल फार्मर फैमिलीज को 6,000 रुपीज होता है, 6,000 रुपीज, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में ईयरली पे करा जाते हैं, है ना, इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 6,000 ईयर, ठीक है ना, 2,000 ईच की इंस्टॉलमेंट बनती है, अगर कोई डाउट है तो पूछ, ठीक है, अब आगे चलेंगे। मोदी इनॉग्रेट्स अरुणाचल फर्स्ट एयर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे हरियाली ही हरियाली थी, पेड़ ही पेड़ थे, तो ये फर्स्ट ऐसा बना वहाँ पर इंडिया ने ऐसा कुछ डेवलप किया है, कहाँ पर करा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, इसका क्या नाम है, इनाग्रेटेड डोनी, कौन सा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, ईटानगर थोड़ी ही दूर है, कहाँ पर है, होलोंगी, कहाँ पर है, होलोंगी इन होलोंगी, है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट, क्या है, ये फर्स्ट सच ग्रीन फील्ड फैसिलिटी है, ठीक है, ओके, आगे चलेंगे अब इसके अंदर, और हमें ये भी याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर कैपिटल है, ठीक, मेंशन करा हुआ है, तो कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके, तो हमारा पीएम भी हो गया, ये भी हो गया, ताबा सुम बॉलीवुड इनसाइडर रेडियो स्टार, ये सब थी, डेथ हो गई, ये नोट कर, एंड अवार्ड आ गया है एनजीओ प्रथम, जो है प्रथम एजुकेशनल फील्ड में बुक्स के फील्ड में काम करता है एनजीओ है, ये बुक्स प्रोवाइड करता है, ये स्टोरी बुक्स और डिफरेंट बुक्स, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेमेंट एंड डेवलपमेंट 2021 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का अवार्ड मिला है किसको, प्रथम फाउंडेशन को, ठीक है, प्रथम जो कि एनजीओ है जो एजुकेशन की फील्ड में काम करता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, हमारा कितना बड़ा न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा है, ओके, तो गाइज वुड यू माइंड, आई एम टेकिंग अ 10 मिनट ब्रेक बिकॉज समथिंग दैट आई नीड गो वे, देन आई कम बैक, ओके, 10 मिनट ब्रेक चल रही है, थोड़ी देर में, सॉरी फॉर द दिस, अब यहाँ पे हम नोट करेंगे ये वाला सब, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क भी कर लेंगे, गुड क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर क्या है, फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर क्योंकि हमारा ये 2021 के लिए है, जो 2022 के अंदर दिया जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको दिया गया प्रथम को, प्रथम एनजीओ को, है ना, ये एजुकेशन की काम करता है, क्लियर है इतना, ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन, एनजीओ फंक्शनिंग इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये मैंने तुम्हें बताई दिया ऑलरेडी। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैंने ये गूगल की 3 मिलियन टर्म्स, कौन सी, सॉरी फॉर द वर्ड, क्लोज टू 3 मिलियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स इन ऑल मॉडर्न विल सून बी सर्चेबल वाया गूगल, इनेबलिंग टीचर्स राइटर्स एंड ट्रांसलेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट असेस सर्च टर्मिनोलॉजी, है ना, तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं, चाहे वो लीगल टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, हर प्रोफेशन की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स जो होंगी वो जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर कन्वर्ट, मतलब अवेलेबल होंगी गूगल के ऊपर, उसके लिए वेबसाइट कौन सी बनाई जा रही है, शब्द डॉट एजुकेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन, और इसका एक ऐप भी अवेलेबल होगा, राइट, ओके, फाइन, आगे द प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दैट इज सी एस टी टी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये और भी इम्पॉर्टेंट है, एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 के अंदर दी हुई है ऑफिशियल 22 इंडियन लैंग्वेजेस, उसके ऊपर ये काम करें, सी एस टी टी जो है 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये लार्ज नंबर ऑफ जो टेक्स्ट बुक्स है वो पब्लिश करता है, राइट, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टेक्निकल टर्म्स क्या लिखेंगे, साइंटिफिक एंड, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स इन इंडियन लैंग्वेजेस ऑन गूगल, है ना,
ऑन गूगल, ठीक है, सर्चेबल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन कर रहा है और क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये वेबसाइट कौन सी होगी, वेबसाइट होगी शबद डॉट एजुकेशन डॉट जीओवी डॉट इन, ठीक है। और ऐप जो होगा, ऐप सून टू बी लॉन्च, ऐप सून टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें और क्या डाटा मिल रहा है, ये है ना, प्रोजेक्ट किसने इनिशिएट करा है, प्रोजेक्ट इनिशिएटेड, ठीक है, किसने किया, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये फुल फॉर्म क्या है, सी एस टी टी, ठीक है। ये किसके अंडर आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब लेकर आए थे इसको, कब स्टार्ट किया गया था, ये बस टेक्स्ट बुक्स और ये सब कुछ पब्लिश करती है, ठीक है। ये कब लेकर आए थे, ये लेकर आए थे 1960, एस्टैब्लिश्ड इन 1961 में ये इस्टेब्लिश करी गई थी। और अभी के लिए इन ये लैंग्वेज हमारी इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो ये टर्मिनोलॉजीज आ रही है, ठीक है ना, ये हमारे नोट्स बन गए। ये हमने पहले भी पढ़ा था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं इसको। उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पर। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि नॉर्थ कोरिया वाले, अगेन ये रिपीटेशन है, क्या पढ़ा था कि जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उन्होंने मिसाइल लॉन्च करी है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। और उसकी रेंज कितनी बताई जा रही है, 6,000 to 6,500 किलोमीटर, और वो जापान के पास आकर गिरी है। तो ये मिसाइल की रेंज है वो कहा जा रहा है कि यूएसए के मेन लैंड तक पहुँचने के लिए नॉर्थ कोरिया से काफ़ी है, कैन रीच यूएसए मेन लैंड, ठीक है ना। तो ये टेंशन वाली बात है बिल्कुल। तो कौन सी मिसाइल है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए, हवा सॉन्ग, ठीक है ना, हवा में सॉन्ग सुनने वाली 17 मिसाइल, ये किसकी मिसाइल है क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्थ कोरिया की। हमने कल भी नोट कर लिया था, अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे, मतलब कल मिस कर दिया था, तो ये न्यूज़ कल आई थी, जिन्होंने कल नोट किया था वो आज मत नोट करें। तो ऋषि सुनक जो कि यूके के पीएम हैं, ठीक है, वो मिले जेलेंस्की से, वोलादिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के हेड है, ठीक है। तो ये मिले और वहाँ पर क्या हुआ, द ब्रिटिश लीडर अनाउंस द न्यू एयर डिफेंस पैकेज वर्थ 50 मिलियन यूरोज, दैट इज $60 मिलियन अकॉर्डिंग टू 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ऋषि सुनक मेट यूक्रेन लीडर। अब यार यहाँ पे अगर तुम्हें यूक्रेन के लीडर का नहीं नाम पता है ना, तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज यूक्रेन की चल रही है वॉर, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रेजिडेंट है ये, प्रेजिडेंट वोलादिमिर ज़ेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के प्रेजिडेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी सबको नोट करने की पर पहले से क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं ब्रिटेन वाले, क्या दे रहे हैं, ब्रिटेन क्या ना एयर डिफेंस, क्या कर रहा है, एयर डिफेंस पैकेज दे रहा है, का ये पैकेज ऑफ 50 यूरोस, लिख लेना 50 मिलियन यूरोस या $60 मिलियन, ठीक है ना, किसको, टू यूक्रेन, ठीक है। अब आगे चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कमला हैरिस जो है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, ये नहीं पता तो ये भी, वो मिली चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, जी जिनपिंग एशिया के पूरे टूर पे थे, एपेक की फुल फॉर्म के एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन थाईलैंड, ये भी हमने कल पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नोट कर सकते हो, बैंकॉक में हुई है समिट, ठीक है। और वहाँ पर बात करा बेल्ट एंड रोड फोरम, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना, बारे में बात करा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फोरम कुछ भी आप कह सकते हो। यार आपको याद रखना है कि ये क्या इनिशिएटिव है, ये चाइना का इनिशिएटिव है ना। अब चाइना इसके अंदर क्या करता है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी बनाने की वर्ल्ड वाइड कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंट्रीज जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइनाज प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने इंडोनेशिया के साथ मिलकर भी प्रोजेक्ट बनाया है, और वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये देख,
Forum after a three-year hiatus in Bali missed and Indonesian President Joko Widodo. ये नाम पता होना चाहिए बिकॉज G20 में हमसे पहले ये G20 के प्रेसिडेंट थे, तो हमारे जो लीडर हैं उन्होंने इनसे ठीक है ना. अब यहाँ पर मतलब इनका नाम है पता होना चाहिए, इन्होंने ही हमें फॉरवर्ड करा है G20 का प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट कौन है ये पता होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशनल ट्रायल लॉन्च्ड एंड ऑपरेशनल ट्रायल ऑफ चाइना बिल्ड जकार्ता बैंडुंग बुलेट ट्रेन, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है. तो इंडोनेशिया के साथ इन्होंने इनिशिएटिव में क्या लॉन्च करा है, जकार्ता बैंडुंग बुलेट ट्रेन, ठीक है ना, ये जो है लॉन्च्ड अंडर BNR, ठीक है, द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अ फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट इन इंडोनेशिया, ठीक है, फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला रहने दो, ठीक है. तो ये इंडोनेशिया के अंदर, ये इंडोनेशिया के अंदर ये नोट कर लो. अब आगे चलेंगे, ये वाला हो गया, ये वाला. तो मिड टर्म पोल्स हुए USA के अंदर, ठीक है, मिड टर्म इलेक्शंस हुए. तो ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं यहाँ पर. यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इज अ लेजिस्लेचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बाय कैमरल. तो कांग्रेस जो है उसके अंदर मतलब दो हाउसेस हैं, वो है लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ और एक है सेनेट, ये दो लॉज बनाते हैं. अब इनके इलेक्शंस थे, मिड टर्म इलेक्शंस हुए USA के अंदर, ठीक है. ये हमें पता होना चाहिए, डेमोक्रेट्स जो थे विटनेस डेमोक्रेट्स रिटेनिंग कंट्रोल ऑफ सेनेट और रिपब्लिकन जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. इसके बाद अगर नोट करते हो तो कर सकते हो. इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो इलेक्शंस हुए थे 2020 के अंदर, प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 2020 के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे कहाँ पर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ये हुए थे USA के अंदर, ठीक है. अब जो USA के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, ठीक है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो हार गए, ठीक है, डोनाल्ड जो तब के प्रेसिडेंट थे वो हार गए थे, लॉस्ट. एंड उन्होंने ना प्रोटेस्ट से एक वायलेंस हो गया था वहाँ पर कैपिटल सिटी में वॉशिंगटन में, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है बाय पार्टिसन कांग्रेशनल कमिटी जो है वो एक्शन ले रही है इनके ऊपर इस चीज़ है ना, ये हार गए थे एंड देन ऑल्सो यू नो ट्राइंग टू फ्यूल सो दैट दे कुड बी सम राइट्स और समथिंग, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है करना. उसके बाद हम बात करेंगे जापान की. जापान जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही बुरी तरह से हार गया था, ठीक है, अटैक्स हुए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा इसके ऊपर, ठीक है, तो बहुत कुछ हुआ वहाँ पर निरोशी. तो यू नो जापान ने अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया जब उसने इतनी बुरी तरह देखा, मतलब आपको पता है कहा जाता है कि जापानी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी कंट्री को बिल्कुल बुरी बुरी तरह से बिखरते हुए देखा है एंड इवेंचुअली मेहनत करी कि अब जापान इज़ वन ऑफ द, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री बट इकॉनमी उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, राइट. तो वहाँ पे क्या रूल बना, फॉर डेकेड्स जापान हैज़ मेंटेन्ड अ लो प्रोफाइल ऑन डिफेंस स्पेंडिंग एंड रिमेन डिपेंडेंट ऑन इट्स एलाइज. बहुत ही सालों से जापान जो है वो अपनी डिफेंस जो है उसके ऊपर इतना पैसा नहीं लगाता है, बिकॉज उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि हमारा अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा हम वो कभी भी बाय वॉर सॉल्व नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, एंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने डिफेंस के लिए वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, USA के ऊपर. बट अब उनको USA पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, और वो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज इनके जो जापानियों के दुश्मन कौन कौन है, जापान के जो एनिमी कंट्रीज, सॉरी जापान के, अगर हम जापान की बात करें, जापान डिफेंस इशू, ठीक है ना, अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान का जो डिफेंस का इशू है, तो नंबर वन इसके एनिमी कंट्रीज कौन कौन है, इसके अगर हम एनिमी कंट्रीज की बात करें तो इसका चाइना के साथ नहीं बनता है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं बनता है इनका, ठीक है, और रशिया के साथ इनका कुरिल आइलैंड्स का क्वारल है, कुरिल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है इनका, ठीक है. तो इनके तीन बड़े बड़े दुश्मन हैं,
इनका एलाई अभी तक कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा था? एलाई मतलब जो दोस्त, एलाई ऑन होम डिपेंडेंट फॉर सिक्योरिटी टिल नाउ। यूएसए के ऊपर अब क्यों नहीं? अब तुम पूछोगे ठीक है यूएसए कर तो रहा है इनकी, मतलब इनको प्रोटेक्ट कर देगा, पर जब से यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उनको लगा कि भाई सब कहते हैं कि हाँ 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 हम खड़े हैं, बट एक्चुअल में कोई वॉर नहीं लड़ना चाहते किसी और के लिए, तो हमें भरोसा नहीं है अब यूएसए के ऊपर, ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है? दैट हैज स्टार्टेड चेंजिंग विद द रूरल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज प्रपोजल फॉर डबलिंग द कंट्रीज डिफेंस बजट टू 2% ऑफ द जीडीपी इन 5 years in line with NATO members if Japan, whose post-war US-drafted pacifist constitution, achieves more military capabilities, it could further after the balance of power of East. अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने अब क्या डिसाइड किया। इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारा डिफेंस बजट होगा, ठीक है, डिफेंस बजट इन्होंने कितना कर दिया, डिफेंस बजट टू क्या कर दिया जापानियों ने, 2% ऑफ द जीडीपी इन नेक्स्ट 5 years, है ना, इन 5 years। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है। अब उसके बाद यहाँ पर पहले क्या था, इनका जो आर्टिकल 9 ऑफ जापान्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इनका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल इनका जो है आर्टिकल 9, ठीक है, इनका आर्टिकल 9 क्या कहते हैं, won't go for renounce war, renounce करते हैं मतलब give up करते हैं war के ऊपर, ठीक है, और कभी भी force use नहीं करेंगे, no use of force, क्या कहते हैं आर्टिकल 9, no use of force, no use of force for settling international dispute, ठीक है। अब ये चेंज कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस व्हेन जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाई यू एस फोर्सेज बट डेकेड्स जापान्स डिफरेंट पॉलिटिकल सेक्शंस बैक्ड पैसिफिज्म, दैट इज पैसिफिज्म का मतलब क्या था, ऑल डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स, ठीक है ना। बट अब क्या है, चेंज लेकर आए, ये चेंज कौन लेकर आए थे, ये चेंज बेसिकली शिंजो एबे लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, जापान के पिछले प्रेजिडेंट शिंजो एबे, जिनको असैसिनेट कर दिया गया है, मार दिया गया है, वो मेजर चेंज लेकर आए। तो अब ये लोग चेंज लेकर आ रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी डिफेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। जापान इज ऑल्सो डेवलपिंग अ न्यू फाइटर जेट एफएक्स, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज इज डिजाइनिंग द जेट ऑन वेन विच जापान हैज़ ऑलरेडी स्पेंड मोर देन 200 बिलियन येन, ठीक है। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, जापान विच हैड ऑक्यूपाइड द होल ऑफ कोरियन पेनिनसुला एंड पार्ट्स ऑफ चाइना बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हैड कमिटेड अनस्पीकेबल क्राइम्स इन द कॉलोनीज। तो मतलब इनकी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के साथ तो इनका क्यूरल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है ही है, ठीक है ना, क्यूरल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है ही है इनका, ठीक है। इसलिए इनके चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया जो हैं एनिमी कंट्रीज बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी रहेंगी। इंडियाज फ्यूचर स्ट्रैटेजी ऑन एमिशंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेपिटेशन है, नहीं नोट पढ़ सकते हो। वेल, इंडिया अनवील्ड मच अवेटेड लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। क्या लॉन्च किया इंडिया ने, लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है, ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो यार, पेरिस अग्रीमेंट जब हुआ, ठीक है ना, अग्रीमेंट हुआ, पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ, पेरिस अग्रीमेंट हुआ 20 अंदर, क्या कहा गया इसके अंदर, 2015 में कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि हम वर्क करेंगे कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, ठीक है ना, मेजर्स क्या लेंगे, मेजर्स टू कीप टेम्परेचर्स, ठीक है, कितने से नीचे, बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस ऑफ द सेंचुरी, ठीक है ना, और मोर देन एंड नॉट मोर देन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो जाने देंगे, 1.5 डिग्री पर हम रोक के रखेंगे। अब इसके लिए उनको क्या सबमिट करना था, अब इसके लिए यू हैव टू सबमिट अ प्लान, ठीक है, एवरी कंट्री हैड टू सबमिट अ प्लान, और वो प्लान को क्या बोला, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया ने तो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो सबमिट कर दी है। इंडिया इज नाउ अ ग्रुप ऑफ 60 कंट्रीज, द पेरिस अग्रीमेंट हैज ओवर 190 सिग्नेचर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 190 के प्लस सिग्नेचर है, और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है उन ग्रुप को जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी सबमिट कर ली है। तो यहाँ पे 60 है, थोड़े दिन पहले 58 पे था, इसका मतलब दो कंट्रीज ने हमारे साथ सबमिट किया, 60 कंट्रीज सबमिटेड, इंडिया इंक्लूडेड, ठीक है, इंडिया ने भी
सबमिट कर दिया है ना, 60 कंट्रीज हैव सबमिटेड। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, यस, इन कंट्रीज के नाम नहीं दिए, क्या ठीक है, तो ये हमने सबमिट कर दिया इनको कि या हमारा ये प्लान है। अब हमारा प्लान क्या है, सबसे पहले तो हमारे पीएम तो COP 26 कहाँ पर हुई, ग्लासगो में, ठीक है ना। ग्लासगो में क्या प्रॉमिस करके आए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने COP 26 जो ग्लासगो में हुई उसके अंदर हमने प्रॉमिस किया कि हम नेट जीरो, इंडिया नेट जीरो कब तक हो जाएगा, इंडिया नेट जीरो 2070 तक हो जाएगा, ये हमारे पीएम जो है वहाँ पर प्रॉमिस करके आए, ठीक है। इसका प्लान हमने सबमिट कर दिया। अब हमारा प्लान है क्या, ठीक है, प्लान, व्हाट इज़ आर प्लान, व्हाट इज़ इंडियाज प्लान, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया कहता है, इंडियाज प्लान, सबसे पहले तो इंडिया कहता है मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करूँगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यह क्या करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके अंदर द 100-पेज डॉक्यूमेंट दैट लेज आउट इंडिया स्ट्रैटेजी अंडरलाइंस द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड हाइड्रोजन एज क्रिटिकल ट्रांजिशन एंड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। Environment Minister Bhupendra Yadav said the long-term carbon, low carbon development strategy as India refers to it underlines India's right to an equitable and fair share of global carbon budget. India's plan is to maximize the use of, अब यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं ये, देखो यार, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जोर डालेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन पे, ठीक है, और एक इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, ठीक है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज जो पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, प्लांट बेस्ड है ये, प्लांट से निकाला जाता है, प्लांट बेस्ड है एंड मिक्स विद पेट्रोल, ठीक है ना, मिक्स विद पेट्रोल, ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि, और ये क्या है, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मिक्स करना चाहेंगे अपने पेट्रोल के साथ ताकि कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 2025 तक कितना इथेनॉल ब्लेंड होने लग जाए पेट्रोल के साथ, 20% ब्लेंडिंग होने लग जाए, मिक्सिंग होने लग जाए 2025 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो और भी हमारे फोकस है, एक तो हम ईवीज पे जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं अपने प्राइवेट व्हीकल्स पे ट्रैवल ना करें, पब्लिक व्हीकल पे ट्रैवल करें, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं, ताकि जो ज़्यादातर लोग अगर एक ही उसमें ट्रैवल करेंगे कम पोल्यूशन होगा। उसके बाद वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, पैट स्कीम। अब पैट स्कीम क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी पैट स्कीम लेकर आ रहे हैं, उसका है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सपैंड द नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड एनहांस मटीरियल एफिशिएंसी एंड रिसाइकलिंग। द पैट स्कीम रेफर्स टू एन एमिशन ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज सच एज एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील दैट आर एक्सट्रीमली कार्बन एक्सटेंस हैव टू रिड्यूस देयर एमिशंस बाय फिक्स्ड अमाउंट और बाय एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ईदर रिड्यूस कार्बन आउटपुट और बाय क्या बाय करेंगी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जो प्लांट्स लगाएंगी, जो प्लांट्स लगाएंगी, प्लांट्स भी तो कार्बन जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं, और फिर उसके सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेंगे और ये उन ऑर्गेनाइजेशन से वो सर्टिफिकेट जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं ये लोग। व्हाट आर द स्टिकिंग पॉइंट्स, $100 billion वाला पॉइंट सबको पता है या नहीं पता, ठीक है। 100 billion वाला पॉइंट हमारा ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 billion प्रोवाइड करेंगी ताकि वो आराम से फॉसिल फ्यूल्स से शिफ्ट हो सके ग्रीन एनर्जी पर। अब बात करते हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं कौन बताएगा मुझे, बेंजामिन नेतान्याहू। क्या उनको बहुत ही टफ कंपटीशन दिया किसने, बेन गविर ने, ठीक है ना, बेन गविर ने बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दिया है, तो हमें ये याद रखना है, बेन गविर क्या लिखेंगे, टफ कॉम्पिटिशन टू करंट इसराइली पीएम का नाम पता है, नहीं पता तो आप यहाँ से लिख सकते, ये करंट है। तो कहते हैं कि ऐसा ही बेंजामिन जो है, ये इन्होंने भी टफ कॉम्पिटिशन मतलब दिया था ऐसा ही अपने यंग डेज में, और यहाँ पे ओस्लो अकॉर्ड की बात हो रही है जो कि पीस अग्रीमेंट साइन किया था पैलेस्टाइन और इसराइल ने। ये किसने साइन किया था, प्राइम मिनिस्टर यिश्ताग रैबिन ने, जो लेबर के लीडर थे, हु साइन द ओस्लो अकॉर्ड विद पैलेस्टाइन लीडर यासिर
अराफत, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऑस्लो अग्रीमेंट क्या था, पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में पीस अग्रीमेंट था, ठीक है ना। अब तो ये लोग लड़ रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल, बट तब पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की, ठीक है। मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान के लिए बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया, वहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए, तो क्यों चाहते हैं लोग स्टेबिलिटी। यहाँ पे लिखेंगे मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस, ठीक है। ये कहाँ पर हुई, मॉस्को के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कब स्टार्ट हुई थी, लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च्ड इन 2017, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन है, रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये आप नोट कर सकते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये क्या बात करें कि कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए, और यहाँ पे एड ऑन जो है वो है फोर्थ एडिशन था, ये फोर्थ टाइम ये जो है कंसल्टेशन हुई है अफगानिस्तान से लेकर। अब यहाँ पे ये क्यों लेकर आना चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी इसलिए लेकर आना चाहते हैं बिकॉज हर कंट्री के अपने कुछ इशूज़ हैं, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यूएस बैंक कॉन्टिन्यू, अब यहाँ पे जो एक और इशू उठाया गया वो ये है कि यूएस बैंक जो है दे कॉन्टिन्यू टू होल्ड डॉलर 9 बिलियन, अफगानिस्तान का 9 बिलियन जो है वो यूएस बैंक के साथ है। पहले तो इन्होंने बोला कि भैया इनके ये जो ये 9 मिलियन है या मिलियन है, मिलियन, अरे बहुत पैसा ले, तो ये दे दो वापस, कंट्रीज ने बोला। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुपिंग हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द तालिबान रिजीम, तो वहाँ पे अफगानिस्तान में कौन आ गया, तालिबान आ गया, राइट। नन ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन सिंक विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी हैड रिकॉग्नाइज द प्री डोमिनेंट अनली पाश्तून सेटअप, पाश्तून है वो, ठीक है ना, जो तालिबानी है, और पहले किसकी गवर्नमेंट थी, प्रेजिडेंट अशरफ घानी की, जो वेस्ट से भागे, पता नहीं कहाँ भागे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 2021 में जब तालिबानी आए तो द प्रेजिडेंट रैन अवे, ही वॉज अ यू एस बैक प्रेजिडेंट। इंडिया टू हैड अ स्पेशल ग्रुप ऑफ, इंडिया के भी स्पेशल ग्रुप हैं जो यू नो एम्बेसी खोल दिया हमने काबुल में, अफगानिस्तान की कैपिटल में, अपनी बातचीत कर रहे हैं हम तालिबान के साथ, उनको हम राशन भी भेज रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हर कंट्री के कंसर्न्स हैं, और चाइना का, इंडिया का कंसर्न है कि वो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके लोगों को वहाँ पर यू नो रहने ना दें, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी और कंट्री के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग ना हो। चाइना वालों को भी ये डर है क्योंकि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा है उगैर जो कम्युनिटी है उसके साथ, तो इसलिए उनको भी डर है। तो सभी कंट्रीज चाहती हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए। अब हमें याद क्या रखना है यहाँ से, एक तो हमें याद रखना है कि मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, ये याद रखना है। नंबर टू, ये मॉस्को में हुआ, लॉन्च इन 2017, फोर्थ एडिशन हुआ, यूएस के पास डॉलर 9 बिलियन रुपीज जो है वो पड़े हैं, और अगर आपने मेंबर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके नाम नहीं लिखे तो वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया स्क्रैप्ड एक्सपोर्ट टैक्सेस, ठीक है ना, अगर कोई एक्सपोर्ट करता है मतलब बाहर भेजता है लो ग्रेड आयरन तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो खत्म कर दिए हैं, तो ये बस एक लाइन नोट करनी है आपको, कर लो। एयर इंडिया के सीईओ कौन है, एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन है, ये याद रख लें, टाटा ने खरीदी थी एयर इंडिया, सॉरी फॉर द वर्ब। अब यार यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कतर के अंदर ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी टीम बहुत कुछ कर रही है, कुछ ऑल वाइट किट डाल रहे हैं, मतलब जो ड्रेस होगी वो ऑल ब्लैक होगी नॉट वाइट, और कैप्टन्स ने, यूरोपियन कैप्टन्स की टीम ने डिसाइड किया था कि वो आर्म बैंड डालेंगे, मतलब आर्म पर एक बैंड डालेंगे जिसके ऊपर वन लव लिखा होगा, वन लव इज की LGBTQ प्लस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइजेशन और ये सब कुछ। तो फीफा वाले कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएंगे अगर तुम ऐसे करोगे, तो जर्मनी का जो गोलकीपर है मैनुअल न्यूरर वो कहता है कि मैं तो डालूंगा, लगा दो फाइन कोई बात नहीं, बट मैं ये आर्म बैंड जो है वन लव वाला वो डालूंगा ही डालूंगा। फीफा के यहाँ जो चीफ है वो कौन है, ग्यानी इन्फेंटियो, क्योंकि फीफा का वर्ल्ड कप इस बार कतर के अंदर हो रहा है इस साल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले भी हम लिख चुके हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ओके चलो जब वर्ल्ड कप के विनर हमें पता चल गए। अब यहाँ पर और क्या रह गया है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लियोने मेसी जो है अर्जेंटीना प्रेजेंट करते हैं, हाँ अर्जेंटीना वो करते हैं बिकॉज मैंने मैच देखा था एक, तो लियोने मेसी जो हैं वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए, उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप है, बहुत ही जाने माने फुटबॉलर हैं, एक रोनाल्डो बल वाली कैटेगरी में डाल सकते हो आप, तो डियागो माराडोना ने जीता था अर्जेंटीना के लिए 1996 में, तो वो भी चाहते हैं कि इस बार वो यू नो जाएं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं अच्छे फुटबॉलर्स होंगे। तो गाइस दैट्स इट, आई एम सो सॉरी फॉर टुडेज वेरी डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ सेशन, नॉर्मली ऐसा हाँ मुझे सेशन ही ले, बट जैसे तैसे हमने सेशन कम्प्लीट कर दिया, नॉर्मली ये सेशन 6 to 7 चलता है, आज हो गए हैं
चलो ओके बाय, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट, कमेंट करोगे तो हमारी जो रीच है बढ़ेगी एंड दैट कैन हेल्प अस फाइनेंशियली. कमेंट डाउन बिलो एंड डू लाइक, ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करना. बाय, टेक केयर.